नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तारा चंद। फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, अभी अभी नवरात्रा खत्म हुई है, दशानंद रावण का भी दहन हो चुका है और इस बीच देश में कई जगह रामलीला का मंचन हो रहा है। लेकिन राजस्थान के एक इलाके में ऐसी रामलीला होती है जिस रामलीला में कोई संवाद नहीं होता है, सिर्फ अभिनय से रामायण के प्रसंगों को बताया जाता है। इसे यहाँ मुख रामलीला कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ राजस्थान के झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे में। जयपुर शहर से बिसाऊ की दूरी 195 किलोमीटर है। बिसाऊ के घर के सामने एक खुली सड़क पर, करीब 300 फीट लंबी सड़क पर ये रामलीला होती है। इस रामलीला में सड़क के बीच में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले लगाए जाते हैं और 15 दिन तक लगातार रोज़ाना अलग अलग प्रसंगों के साथ यहाँ रामलीला होती है। लेकिन इस रामलीला की खास बात है कि कोई संवाद नहीं होता। आप देख सकते हैं भगवान राम हाथ में धनुष लेकर अभिनय कर रहे हैं, वहीं पीछे कुछ राक्षस लोग उनके पीछे हैं, ये देखें आप। और इसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। इस बार ये रामलीला बहुत खास है क्योंकि इस पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जा रही है जो कि रामानंद सागर के सहयोगी रजनी आचार्य बना रहे हैं, जिन्होंने रामायण जो सीरियल बना था उसमें भी अहम भूमिका निभाई थी। ये देखिए आप, भगवान राम और राक्षस का युद्ध चल रहा है, लोग देख रहे हैं। सिर्फ माता जानकी भी अशोक वाटिका में बैठी हुई है। और ये देखिए आप, जो राक्षस है वो अग्नि बरसा रहे हैं मुंह से। काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य भीड़ है। हनुमान आप देख सकते हैं, ये जो पूरा मंच आप देख रहे हैं ये 300 फीट लंबा है और बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी इस रामलीला का हिस्सा होते हैं। ये देखिए राक्षस की सेना, और इस जितने भी कलाकार आप देख रहे हैं ये इसी गांव के हैं, मतलब कोई बड़े बिजनेसमैन है, कोई कहाँ काम करता है, लेकिन पर्टिकुलर रामलीला के दिनों में वो लोग अपना बिजनेस छोड़ कर यहाँ आकर ये पूरा प्रसंग करते हैं। ये एक अनोखी और अनूठी रामलीला मुझे देखने को मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए। ये देखें आप, और करीब 3 से 4 घंटे रामलीला रोज़ाना होती है 15 दिन तक, और जब भरत मिलाप होगा उस दिन इस रामलीला का समापन होगा। रावण के मुंह का तीर जो देख रहे हैं यही कलाकार छोड़ते हैं, धनुष तीर से रावण के सिर पर या मेघनाथ या कुंभकर्ण के सिर पर। ये देखिए आप, ये छोड़ते हुए ये और इस बार इस रामलीला को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस रामलीला की जो फिल्म बन रही है उसे अयोध्या में जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है वहाँ पर जो प्रदर्शनी लगेगी उसमें भी दिखाया जाएगा। ये मेघनाथ का, ये देखिए आप, अथाह भीड़, और सारे गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं। ये भगवान सीता को रावण हरण करके ले जाते हुए। तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो और जानकारी, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। आपका प्यार ही है जो मुझे और ज़्यादा काम करने के लिए उत्साहित करता है। इसी तरह प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। ये रामलीला लगभग 180 साल से भी ज़्यादा पुरानी रामलीला है। इसमें मैं, मेरे से पहले मेरे चाचा जी, पिताजी और उससे पहले दादाजी और उनके भी पिताजी वगैरह काफ़ी सब इनमें रोल कर चुके हैं। मेरे दादाजी इसमें परशुराम का रोल करते थे, मैंने इस रामलीला के अंदर लक्ष्मण का पात्र करा है, राम का पात्र करा है, हनुमान जी भी बनाऊँ, आज मैंने इस रामलीला में कुंभकर्ण का पात्र करा।
जिसमें मैं मायावी कुंभकर्ण था और जो आग के गोले छोड़ता है वो सारा रोल मेरा आज का था। इस रामलीला के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि कोई संवाद नहीं होता है, हमें जो कुछ भी आपको बताना है या प्रदर्शन करना है वो हमें अपने अभिनय के द्वारा ही करना होता है। और हम इसमें नृत्य करते हैं और युद्ध करते हैं, युद्ध और नृत्य उसके द्वारा ही हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि हम आज की रामलीला में एक्चुअली हो क्या रहा है। और इसमें धनुष होती है, तीर छोड़ने का होता है, तलवारें होती है, इसमें गदा होती है, डंडे बिड़ाने का जो होता है, ये सारी चीज़ें मिलकर के एक स्वरूप तैयार करते हैं रामलीला का। अच्छा, कितने दिन चलती है ये रामलीला? 15 दिन के आसपास चलती है, इसमें 14वें दिन भरत मिलाप होता है। सर, ये हमारे मिसाओं की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। यहाँ के प्रत्येक नगरवासी के दिल और दिमाग में ये रामलीला बसती है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आज के इस आधुनिक युग में जब टीवी और मोबाइल ने ज़्यादातर ऐसी चीज़ों से दूरी बना ली है, फिर भी हम हमारी इस ऐतिहासिक धरोहर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें बहुत विश्वास है कि बिसाऊ के लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो परिवार लगातार सालों दर पीढ़ी इसमें काम करते आ रहे हैं, उसके बच्चे आज भी उसी जोश और जुनून से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारी ये आकांक्षा है, हमारी ऐसी अपेक्षा है कि अगले 100-150 सालों तक ये रामलीला अपने उसी उत्कर्ष के साथ आगे चलती रहे। हमारे यहाँ तो रामायण धरोहर है, हमारी संस्कृति संस्कार और जो भी बोलो अच्छे विचार जो रामायण सागर ने बताया ऐसा नहीं, लेकिन जो लिखा गया है वाल्मीकि ने लिखा गया है जो रामायण में उसमें अच्छे संस्कार की बात है। तो ये धरोहर है हमारी, अगर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में अगर हिंदू जितने भी है वो अगर रामायण को बच्चे को दिखावे पढ़ावे तो एक सीड प्लांट होगा। आई डोंट से कि आप रिलीजियस बन जाओ, आई वांट स्पिरिचुअल एट द सेम टाइम बैलेंस माइंड। ये खराब नहीं पर अब मेरा सवाल ये है कि एक ये क्या आपने अब तक जो भी काम किया है उसमें क्या ये अलग तरह का चैलेंज नहीं है कि एक रामलीला है वो पूरी तरह से मूक हो रही है? इधर दो तीन नाके में इधर शो पड़ा रहा जी, शूटिंग किया और दो दिन में पड़ा रहा, मेरा एकदम पूरा रिड्यूस हो गया माइंड कि मैं इधर क्यों। कमल जी ने मुझे भेजा, आई वॉज टोल्ड कि चौपाई पड़ जाएगी और मूक रामायण करेंगे जी। तो मैंने कहा वो चौपाई पड़ेंगे वो लोग क्या करेंगे। तो यहाँ आके देखा तो दंगल एक घंटा चलता है, यहाँ आके देखे तो फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल सब अपसब जुड़े हुए हैं, कोई किसी को रोकता भी हम भी नहीं रोकते, किसी को बीच में आ जाते हैं तो चलता है। बट देन मैं आई रियलाइज के ये मेरे लिए चैलेंज है और आई कैन मेक दिस फिल्म फॉर नॉट ओनली फॉर द OTT प्लेटफॉर्म बट फॉर द फेस्टिवल, बिकॉज ऐसी चीज इंडिया में हिंदुस्तान में बनी नहीं है, बन चलती नहीं है जी। और उसको प्रेजेंट करना तो अभी उसमें क्या है मुझे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी आपको।